व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस ये वाली वीडियो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ दो ऐसी टीम। एक टीम में होंगे फ्रेंड्स ऑल टाइम बैड बॉयज और दूसरी टीम में होंगे फ्रेंड्स ऑल टाइम गुड बॉयज। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस टीम में गुड बॉयज एक तरफ होंगे और बैड बॉयज दूसरी तरफ होंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन ये होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर देखना, और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि जो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग आने वाली वीडियोस हैं वो मैं आप तक जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत और बनाते हैं ऑल टाइम बैड बॉयज की प्लेइंग 11। तो फ्रेंड्स अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, नो डाउट वहां पर रहने वाले हैं डेविड एक्सक्लूसिव वार्नर, जिनको मैदान पर हम यूजली झगड़े करते हुए देखते हैं। क्विंटन डिकॉक के साथ उनकी एक फाइट काफी फेमस हुई थी। इनका साथ देंगे फ्रेंड्स क्रिस टॉफर, हेनरी गेल, काफी रंगीन मजाज ये भी व्यक्ति हैं, काफी चिल करते हुए दिखाई देते हैं, पार्टियों में काफी बार देखे गए हैं। इनका भी फ्रेंड्स एक बिग बैश लीग में किस्सा हो गया था, पत्रकार से बात करते करते इन्होंने कुछ अश्लील बातें कर दी थी, तो इसीलिए बैड बॉयज की टीम में ये दो हमारे ओपनर होंगे, डेविड वार्नर, क्रिस टॉफर, हेनरी गेल। नंबर तीन पर फ्रेंड्स वहां पर नो डाउट इस टीम के जो कैप्टन होंगे वो रहेंगे विराट कोहली, किंग कोहली वहां पर रहेंगे। अगर बैड बॉयज की टीम बन रही है तो विराट कोहली को आप उससे बाहर नहीं रख सकते। मैदान पर काफी बार गाली गलौज करते हुए देखा गया है, इन्हें अग्रेसिव रहते हैं, आईपीएल में काफी अग्रेसिव मोड इनका ऑन रहता है। नंबर चार पर फ्रेंड्स इस टीम के जो विकेट कीपर होंगे वो होंगे सरफराज अहमद, जो कि पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं, तो इस टीम की विकेट कीपिंग भी हमें करते हुए नजर आएंगे सरफराज अहमद। नंबर पांच पर फ्रेंड्स वहां पर खेलेंगे बेन सुपरमैन स्टोक्स, जो कि इस टीम के पहले ऑलराउंडर होंगे। नंबर छह पर खेलेंगे फ्रेंड्स हार्दिक पांड्या, जिन्होंने कॉफी विद करण में जाकर काफी उठपटांग बातें बोली थी। नंबर सात पर फ्रेंड्स काइरन पोलार्ड खेलेंगे, इनका एक किस्सा काफी फेमस हुआ था मिचेल स्टार्क के साथ, मिचेल स्टार्क ने बॉल घुमाकर मारी थी काइरन पोलार्ड की तरफ, तो इस महाशय ने बैट उठाकर घुमाकर दिखाया था कि एक बैट मारूंगा, अगर आप मुझे बॉल से मारोगे तो मैं आपको बैट से मारूंगा, तो इसलिए नंबर सात पर जो दूसरे ऑलराउंडर होंगे वो होंगे काइरन पोलार्ड। नंबर आठ पर फ्रेंड्स वहां पर खेलेंगे शेन वॉन, शेन वॉन को भी काफी अग्रेसिव मोड में देखा गया है, कई बार बिग बैश लीग में मार्नल सैमुअल्स के साथ इनकी काफी झड़प हुई थी। नंबर नौ पर फ्रेंड्स वहां पर खेलेंगे जॉफ्रा आर्चर, द बाउंसर किंग विल बी देयर, जिन्होंने बाउंसर लगा के स्टीव स्मिथ जैसे बैट्समैन को घायल कर दिया था, और घायल करने के बाद जॉस बटलर के साथ मुस्कुराते हुए देखे गए थे जॉफ्रा आर्चर, तो ये इनको शोभा नहीं दे, तो इसलिए बैड बॉयज की लिस्ट में रहेंगे जॉफ्रा आर्चर द बाउंसर किंग। नंबर 10 पर फ्रेंड्स मिस्टर स्टार्क द यॉर्कर किंग वहां पर रहेंगे, इनकी वही लड़ाई काइन प्लॉट के साथ काफी फेमस हुई थी, वैसे भी कई बार इनको अग्रेसिव मोड में देखा जाता है। नंबर 11 पर फ्रेंड्स वहां पर खेलेंगे शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस विल बी देयर, इनका गुस्सा भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, सहवाग सचिन के साथ भी काफी बार कहासुनी हुई है इनकी। तो फ्रेंड्स बैड बॉयज की टीम तो काफी स्ट्रांग दिख रही है, शोएब अख्तर, वार्नर, गेल, पांड्या, पोलार्ड, आर्चर, काफी बड़े बड़े नाम वहां पर है। क्या गुड बॉयज की टीम में इतना दम है कि वो इनको टक्कर दे पाएगी? तो चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए बनाते हैं ऑल टाइम गुड बॉयज की प्लेइंग 11। तो फ्रेंड्स अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो वहां पर खेलेंगे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इतना लंबा इनका क्रिकेटिंग करियर है लेकिन कभी भी इनको किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं देखा गया। इनका साथ देंगे फ्रेंड्स रोज सुपर हिट मैन शर्मा वहां पर रहेंगे। नंबर तीन पर फ्रेंड्स खेलेंगे केन विलियमसन, केन विलियमसन को भी काफी शांत मोड में देखा जाता है, इनको भी कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखा गया। नंबर चार पर खेलेंगे मिस्टर 360 बैट्समैन ए बी डिविलियर्स, इनका गुस्सा सिर्फ बैट से ही दिखता है, पर जुबान से कभी हमने इनको कुछ ऊटपटांग बातें करते हुए नहीं देखा, काफी तगड़े ये प्लेयर हैं। नंबर पांच पर फ्रेंड्स वहां पर खेलेंगे ऑयन मॉर्गन, जो कि काफी जबरदस्त T20 प्लेयर हैं, इंग्लैंड को ODI का वर्ल्ड कप भी जितवाने में कामयाब रहे हैं। आप नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि इस टीम का कैप्टन, गुड बॉयज टीम का कैप्टन किसको होना चाहिए, ऑयन मॉर्गन को या फिर नंबर छह पर खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी, जो कि इस टीम की विकेट कीपिंग भी करेंगे। मैं कंफ्यूज इन दोनों में से कैप्टन किसको बनाऊं, तो आप लोग फ्रेंड्स नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना, ऑयन मॉर्गन कैप्टन होना चाहिए या फिर महेंद्र सिंह धोनी। नंबर सात पर फ्रेंड्स सुनील नारायण, नारायण खेलेंगे, जो कि आते हैं बॉल डालते हैं, ज्यादा इनको कुछ बोलते हुए कुछ बैट्समैन के साथ कहासुनी करते हुए नहीं देखा गया, काफी शांत स्वभाव के हैं।
नंबर 8 पर खेलेंगे फ्रेंड्स भुवनेश्वर कुमार, ये भी आते हैं बॉल डालते हैं जाते हैं, विकेट्स लेने के बाद भी इनका एग्रेशन नहीं दिखता, तो इसीलिए मेरी इस लिस्ट में नंबर 8 पर खेलेंगे भुवनेश्वर कुमार। नंबर 9 पर फ्रेंड्स न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट। नंबर 10 पर इस टीम के जो दूसरे स्पिनर होंगे वो होंगे मुथैया मुरलीधरन, ये भी काफ़ी शांत स्वभाव के थे, जब ये क्रिकेट खेलते थे कभी भी अग्रेसिव इनको नहीं देखा गया। नंबर 11 पर बूम जसप्रीत बुमराह, फ्रेंड्स दोनों ही टीमें काफ़ी स्ट्रांग है, पर फ्रेंड्स जो बॉलिंग है वो तो काफ़ी स्ट्रांग मुझे लग रही है बैट बॉय टीम की, आर्चर स्टार्क और शोएब अख्तर, काफ़ी पेस है इनके पास, जोफ्रा आर्चर मिशेल स्टार्क शोएब अख्तर, और ये स्पिन डिपार्टमेंट है शेन वॉन वहाँ पर रहेंगे, ऑल राउंडिंग डिपार्टमेंट में भी अच्छे हैं पोलार्ड हार्दिक पांड्या। दूसरी तरफ फ्रेंड्स ज़बरदस्त बैटिंग है विलियमसन मॉर्गन डिविलियर्स शर्मा तेंदुलकर एंड महेंद्र सिंह धोनी वहाँ पर रहेंगे, सुनील नारायण भी बैटिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी टक्कर की टीम है दोनों। पर फ्रेंड्स अगर मुझे किसी एक टीम को चुनना है इन दोनों में से तो फ्रेंड्स मैं जाऊंगा बैट बॉयज टीम के साथ, क्योंकि उनकी बैटिंग और ऑलराउंडिंग डिपार्टमेंट और बॉलिंग मुझे सब कुछ खतरनाक लगा, पर काफ़ी डिफिकल्ट था मेरे लिए। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कि फ्रेंड्स अगर ऐसा कोई मैच हुआ, ऑल टाइम मैच हुआ गुड बॉयज बैड बॉयज के बीच में, तो कौन सी टीम जीतेगी, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। और फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को अपना वह मूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।